हाँ जी नमस्कार, बहुत बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश में अब विधान परिषद की 13 सीटों पर चुनाव होंगे, जिसको लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम सामने आया है सपा की ओर से। वहीं कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीत सकती है, अनुमानित आंकड़े भी सामने आए हैं। वीडियो को लाइक करें, हेडलाइन नेटवर्क पर आपका स्वागत है। आपको बता दें, 6 जुलाई को विधान परिषद के 13 सदस्यों का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है, जिनके लिए 20 जून को ही चुनाव करवाया जाना है। चुनाव आयोग की अधिसूचना के अनुसार दोस्तों 20 जून को चुनाव करवाए जाएंगे। वहीं नामांकन की आखिरी तारीख 9 जून है। 10 जून को नामांकन पत्रों की जांच, 13 जून तक नाम वापसी हो सकती है। वहीं बात की जाए 20 जून को वोटिंग 9 बजे से लेकर 4 बजे तक होगी। इसके बाद 20 जून को ही शाम 5 बजे मतगणना की जाएगी। और विधान परिषद की 13 सीटों पर ये चुनाव हैं, जिनमें से 9 सीटों पर भाजपा, वहीं 4 सीटों पर सपा जीत दर्ज कर सकती है, ऐसा भी माना जा रहा है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट कीजिएगा।